वेलकम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, हम मेथड्स पढ़ रहे हैं जिनसे हम मिक्सचर के अंदर मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी हैं, कुछ मेथड्स पढ़े हैं, कुछ प्रोसेसेस पढ़े हैं। आज हम क्रोमेटोग्राफी और क्रिस्टलाइजेशन, ये दो प्रोसेस पढ़ेंगे। ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं इस मिक्सचर से जो सब्सटेंसेस उसके अंदर मौजूद होती हैं वो इसे अलग करेंगे इन टेक्निक्स से। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो था सेंट्रीफ्यूगेशन, सबलिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और हाउ टू सेपरेट दिस मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स बाय डिफरेंट मेथड्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टेक्निक दैट्स नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्रोमेटोग्राफी बहुत पुरानी टेक्निक है जो हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट दोज सॉल्यूट्स। कौन से सॉल्यूट्स ऑफ ए मिक्सचर विच आर सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट, जिनका कॉमन सॉल्वेंट हो। मिसाल के तौर पे अगर हम इंक ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे लेसन के अंदर ये इंक के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे अलग करते हैं यही प्रोसेस आता है, जबकि इसको मुख्तलिफ तरीक़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मसलन पिगमेंट्स इन नेचुरल कलर्स इससे हम अलग करते हैं, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, खून के अंदर जो दवाइयाँ मौजूद होती हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, या कलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन डाई, या डाई के अंदर जो मुख्तलिफ कलर कंपोनेंट्स हैं तो उनको हम कैसे अलग करते हैं। चूँकि क्रोमेटोग्राफी जो है इसका नाम ही इंडिकेट करता है, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है क्रोमा विच मीन्स कलर्स, यानी क्रोमेटोग्राफी जो है ये शुरू से ही इस्तेमाल करते थे कलर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो मुख्तलिफ कलर्स को मिला के एक ख़ास कलर वजूद में आता है, उस कलर के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट मौजूद होता है, किस तरह के कलर्स मौजूद होते हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी वाज यूज्ड फॉर दैट वेरी पर्पस। तो इस तरह जो वो सॉल्यूट्स हम इससे अलग कर सकते हैं जिनका एक कॉमन सॉल्वेंट, यानी कॉमन सॉल्वेंट हियर मीन्स कि सपोज अगर हम यही इंक लेंगे, इंक जो है ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, तो अगर हम इंक का मार्क डाल देंगे ब्लॉटिंग पेपर पर। अच्छा, तो मैं कह रहा था जो क्रोमेटोग्राफी है ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम उन सॉल्यूट्स को अलग करते हैं जिनका सॉल्वेंट कॉमन हो, एक ही हो। तो उन मुख्तलिफ सॉल्यूट्स को अलग करने के लिए हम ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके अंदर सपोज़ हमें इंक के जो अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग करने के लिए हम ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर एक ड्रॉप डाल देते हैं, तो इसको हम पानी के अंदर थोड़ा डाल देते हैं यहाँ तक सपोज, तो ये पानी ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये जो एक ड्रॉप है इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं, जब पानी इसके ऊपर से गुज़रता है तो इस पानी के अंदर सॉल्व हो जाता है, लेकिन इनका जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो अलग अलग है, जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो पानी में वो सबसे तेज़ ऊपर जाता है, जो उसके बाद
सपोज ये यहाँ तक जाएगा, जो इसके बाद है वो यहाँ कम रफ्तार से जाता है, जो इसके बाद है वो कम, इस तरह ये अलग कंपोनेंट्स हमें बिल्कुल दिखाई देते हैं कि कौन कौन सा कलर इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये होता है इसका प्रोसीजर। तो इसको हम किस चीज़ के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट इन नेचुरल कलर्स, नेचुरल के कलर्स के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स हैं उनको अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड से हम मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स को इस टेक्निक से अलग करते हैं। या कलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन डाई, डाई के अंदर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम इस टेक्निक से अलग करते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफीज आर पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गेस क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा और भी हैं कुछ, तो बहरहाल ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो दूसरी टेक्निक है, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, ये एक कॉमन प्रोसीजर है, इसमें हम जो हमारा सैंपल हो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए हम उनको दूर करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल हम जो कॉमन साल्ट, जो टेबल साल्ट है हमारा, वो हम कहाँ से हासिल करते हैं, साल्ट वाटर से। साल्ट वाटर में क्या होता है कि वहाँ पे एवापोरेशन के ज़रिए इसको नमक अलग करते हैं। जब नमक अलग होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि पानी तो ऊपर चला गया है एवापोरेशन के साथ, नीचे जो कुछ भी है हो इस पानी के अंदर वो नमक के साथ मिला हुआ होता है। अब उस नमक से वो इम्प्योरिटीज़ हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज़ ए प्योरिफिकेशन मेथड इन विच ए प्योर सॉलिड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। दिस इज क्रिस्टलाइजेशन, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यानी ए प्योरिफिकेशन मेथड इन विच ए प्योर सॉलिड इज separated from the solution in the form of crystals is called crystallization. For example, we get salt from seawater which have many impurities in it. To remove these impurities we crystallize the salt. To is tarah jo crystallization hai ye evaporation se zyada behtar hai, yani isme jo hame sample milega, jo hame substance mixture se alag hui hai wo hame ek to crystal form mein milegi, dusra us के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रोमेटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन। इससे आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम।